Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। राजधानी की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो को विकास कुमार के रूप में नया मैनेजिंग डायरेक्टर मिल गया है और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। दिल्ली मेट्रो में अभी निदेशक के पद पर कार्यरत विकास कुमार ईसीधरन और मंगू सिंह के बाद DMRC के तीसरे मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, जिन्होंने 1 अप्रैल से पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर मंगू सिंह का कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि मंगू सिंह का कार्यकाल पिछले कई सालों से दिल्ली सरकार द्वारा लगातार बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब जाकर DMRC को नया डायरेक्टर मिल गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अगुवाई में एक चयन कमेटी का गठन किया था, जिसका काम इंटरव्यू के जरिए दिल्ली मेट्रो के नए MD का चयन करना था। कमेटी द्वारा विकास कुमार के नाम पर मुहर लगाने के बाद इसे उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया। फिर अनुमति मिलने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा एक आदेश जारी करके कहा गया कि दिल्ली सरकार ने DMRC लिमिटेड के अनुच्छेद 130 के अनुसार 1 अप्रैल से 5 साल की अवधि के लिए विकास कुमार को DMRC का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कुमार की नियुक्ति को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो के नए MD विकास कुमार 1988 बैच के IRTS अधिकारी हैं। 14 वर्ष रेलवे और 17 वर्ष दिल्ली मेट्रो में काम का इनका अनुभव है और 300 किलोमीटर नेटवर्क पर मेट्रो परिचालन में इन्होंने अहम भूमिका निभाया है, जबकि 1 दिसंबर से मेट्रो में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। वही विकास कुमार ने ऐसे वक्त में दिल्ली मेट्रो के MD का पद संभाला है जब मेट्रो को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कोविड की वजह से घाटे में आई दिल्ली मेट्रो को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना, फेज 4 प्रोजेक्ट के काम में आई रुकावट को तय समय में पूरा कराना, लंबित प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाना नए MD के सामने ये बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा 31 दिसंबर 2011 को ईसीधरन के MD के पद से कार्यमुक्त होने के बाद मंगू सिंह ने DMRC की कमान संभाली और 10 साल 3 माह तक एक लंबी पारी खेली और अपने कार्यकाल के दौरान मंगू सिंह ने दिल्ली मेट्रो के 160 किमी नेटवर्क का निर्माण पूरा करवाया, 59 किमी पिंक लाइन और 38 किमी मेजेंटा लाइन का निर्माण भी पूरा करवाया। देश में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो का परिचालन शुरू करवाने का श्रेय भी इनको ही जाता है। बता दें कि DMRC के पिछले दोनों MD सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, जबकि नए MD विकास कुमार दिल्ली मेट्रो के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से जुड़े रहे हैं। ऐसे में DMRC के नए MD के सामने चुनौतियां थोड़ी ज्यादा होंगी। वहीं उनके अनुभव को देखते हुए माना जा रहा है कि विकास कुमार के नेतृत्व में मेट्रो की परिचालन व्यवस्था और बेहतर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।